श्री जना बेनती है जी कि भगवान श्री राम जी का रथ दशहरा ग्राउंड में पहुंच चुका है, जिथे तक भी मेरी आवाज जाती है। मैं सारे ही नगर वासियों के श्री जना बेनती करना वा कि जल्द तो जल्दी दशहरा ग्राउंड में पहुंचने की कृपालता करो। साड़ी आज की जो लीला है, भगवान श्री राम जी को 14 साल का वनवास हो जाता है। सो उस तो अगली लीला जो साड़ी अज की पंचवटी तो शुरू होगी। मैं सारे ही लगन वासियों के श्री चरणों में बेनती करना वा कि अपने कमां करन छड़दे होए जो 2-3 दिन का टाइम है, क्योंकि संसारिक काम इस तरह चलते रहने ने। सो सारे ही लगन वासियों के श्री चरणों में बेनती है कि परिवार समेत जल्द तो जल्द दशहरा ग्राउंड में पहुंचने की कृपालता करो। साड़ी अज की लीला पंचवटी तो शुरू होगी। सो सारे ही नगर वासियों के चरणों च बेनती है कि महा उत्सव जो दशहरे का त्यौहार है, असं सारे नाल मिल के बड़े प्यार और श्रद्धा नाल मनाना है। और सारे चरणों च बेनती है कि जल्द से जल्द दशहरा ग्राउंड में पहुंचने की कृपालता करो ते भगवान श्री राम जी की लीला का आनंद माणो जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। जिस वेले भगवान राम जी नू 14 साल का वनवास हो जाता है, उस तो बाद महाराजा दशरथ अकाल चलाना कर जाते हैं। भगवान राम जी लक्ष्मण जी ते माता सीता जी जंगलों के घूमते घूमते 12 साल बीत जाते हैं। उस तो बाद घूमते घूमते पंचवटी ते जाते हैं। सो पंचवटी ते उन्हां दी रावण की भैन सरूपनखा दे नाल मुलाकात हुंदी है। सो साडी लीला इत्थों ही आरंभ होवेगी चंद ही मिंटां दे विच। रावण एक बहुत ही बड़ा विद्वान सी। आज तक कोई भी एक भी भेद याद नहीं कर सकिया, पर रावण 4 वेद तक ज्ञाता सी। मैं बहुत बार सुनिया है कि रावण ने एक गलती की सी, उसनू हर साल जलाया जाता है। पर वो एक ही गलती ने उसका जिन्ना भी पुन कमाया होया सी सारे नू मिट्टी दे विच मिला दिता। क्योंकि मेहनत कोई भी होवे उहदा मेहना नहीं हुंदा, लेकिन एक चोरी वो भी किसी की इज्जत की चोरी जो कोई कर ले तो फिर उसनू सजा तो मिलती है। पर भगवान राम जी ने भी वनवास क्यों होया? क्योंकि ये पहले तो ही निर्धारित सी। जिस वेले भगवान राम जी ने उस नारायण ने भगवान राम जी के रूप के अवतार लिया, ये पहला ही निर्धारित सी। क्योंकि रावण नू एक श्राप सी, रावण कंस हिरणाक्ष इन्हां तिन्नां नू एक श्राप सी कि तुसी 3 दिन जाना वा परमात्मा नाल बैर करोगे फिर तुहानू रब मिलेगा। फिर यह भी गल है कि
कि भगवान राम जी ने माता सीता नू माता सीता का इम्तिहान लिया अग्नि परीक्षा लई, लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान राम जी नू पता सी कि रावण सीता नू हर के ले जाएगा। इस करके उन्होंने माता सीता जी नू पहला ही अग्नि देव दे सपोर्ट कर दिता सी। उस वेले सिर्फ अग्नि देव तो माता सीता जी नू उन्होंने वापस लिया सी, नहीं तो माता सीता जी चंडी का रूप सी। रावण दे विच इन्नी हिम्मत नहीं सी कि माता सीता नू हर के ले जांदा, वो तो सिर्फ माता सीता का अक्ष सी जिसनू हर के ले गया सी। सो ज्यादा दूर ना जाता होया लो एक बार फिर सारे ही नगर वासियों के चरणों में बेनती करता हाँ कि जल्दी तो जल्दी दशहरा ग्राउंड पे पहुंचो, बस साड़ी लीला चांदी मिनटों के शुरू हो जाएगी। तद तक साडे बहुत ही प्यारे गायक एक सुरीली आवाज के मालक सुखदेव सिंह सुखू जी उन्होंने को भजन सुनो जी। श्री चरणों की बेनती है जी कि साड़ी अज की लीला का आगाज बस हम तो चंद ही मिनटा बाद हो रहा है, सो परिवार समेत सहरा ग्राउंड में पहुंचने की कृपालता करो, भगवान श्री राम जी की लीला का आनंद माणो। भगवान श्री राम माता सीता जी ते लक्ष्मण जी जिन्होंने 14 साल का वनवास हो जाता है ते वो जंगलों में चले जाते हैं, 13 साल बीत जाते हैं और नाल 14वां साल पंचवटी से पहुँचते हैं, उत्थे उन्हां दी मुलाकात रावण की भैन सुरूपनखा के नाल होंदी है। तो अज की साड़ी लीला का आगाज हो रहा है, मैं अपने कलाकार अगे बेनती करदा कि भाई साहब चलो लाइटिंग का तो बंदोबस्त किया गया है, स्ट्रीट लाइटा चल रही ने, लेकिन फिर भी समय की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए जल्द तो जल्दी तैयार होकर स्टेज पर पहुँचने की कृपालता करो ताकि असी जो साड़ी अज की लीला है उसका आगाज कर सकी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुदरत ने अपनी खूबियों में कमाल ही कर दिया है, बेशक गोदावरी के सुंदर और निर्मल जल ने इसे और भी बेमिसाल कर दिया है। जो कि हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे को अरे जाने तुझे को खबर कब होगी। जो कि हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे को अरे जाने तुझे को खबर कब होगी। देवी हम अयोध्या के महाराजा दशरथ के जाए हैं और 14 साल वन भ्रमण करने आए हैं। अब आप भी अपनी बुदोबाश का पता दीजिए और अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। मैं महाराजा रावण और बाली लंका की बहन हूँ और सुरूपनखा मेरा नाम है। अगर के बहुत शहजादों की मुझ पर नजर आई
बागरबंदी का दिन किसको ना लाई। तो फिर जहां किस लिए तकलीफ फरमाई? इसलिए तुमने स्वरूपनाखा के दिल में जगह पाई। दिल की जब चोरी हुई दिलदार सब जाते रहे, चोरी महरम बना तुमकार सब जाते रहे। देवी तुम्हारी ये पहेली मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। हाँ मगर ये तो बताओ कि हम फकीरों से शादी करने की धुन मन में क्यों समाई? अब ये तो है यहाँ आई आई और कौन बादशाह और कैसी खुदाई। अफसोस मैं इस मामले में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगनी सीता मेरे साथ है। हाँ अगर लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर कर ले तो बड़ी खुशी की बात है, इसलिए आप उनके पास जाइए और अपनी अर्जी मंजूर करवाइए। अजी तुमसे तो मैं दिल लगी करती थी, दरअसल में तो मैं आपकी मोहब्बत का गम भरती थी। वो काला कलूटा हाथ उसका सूटा, ना आदमी की सूरत, बल्ला उससे शादी करने की मुझे क्या जरूरत। वाह मेरी खुशनसीबी का भला क्या ही ठिकाना है, क्योंकि बंदा श्री रामचंद्र जी का एक अदना सेवक है, इसलिए आपका मेरे साथ शादी होना तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब है। ये क्या आपकी तरफ से कोरा जवाब है? हाँ हाँ कोरा जवाब है। आप श्री रामचंद्र जी के पास जाइए और अपनी अर्जी कबूल करवाइए। अजी आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हो और काम का मुझे परेशान कर रहे हो? ले लिया दिल तो पत्थर दिल के ना हो यार, मेरे सुखे हल्क में दो प्यार की बूंदे टपकाओ। वरना रो रो कर मैं दुखिया बेगुना मर जाऊंगी, और गुनाहे खून के आपके सिर दर जाऊंगी। देवी मुझे पर मेहरबानी करो और अपने फैसले पर नजर सानी करो। बहादुर वही है सृष्टि का जो खुद को पास वहां समझे, औरों की बहू बेटियों को अपनी बेटियां समझे। मैं ऐसे दुष्ट कर्म में उदारता अपनी दिखा नहीं सकता, राजान सोकर किचड़े परे पत्थर उठा नहीं सकता। चीज दुनिया में बड़ी है धर्म राजाओं के लिए, खुदकशी से कम नहीं ये कर्म राजाओं के लिए। देवी तुम्हारी दाल जहां हरगिज नहीं गलेगी, तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही बनेगी। अजी मैं तुम्हारे हक में दुआ करती हूँ और एक लौंडिया की तरह प्रार्थना करती हूँ, मेरी मन्नत को मानो है उजारी को, ग्लीसो न ज्यादा इस हफ्त की मारी को। जो शख्स दूसरों का गुलाम हो वो भला तुझसे सियारत के साथ कैसे हम गुलाम हो। तेरे हुक्म की तामील करूं भला मेरी क्या मजाल है, इसलिए आपका काम मुझसे होना सख्त मुहाल है। या तुझको मेरा समझ हुई मुसूल है? हाँ मालूम है तू रावण की बहरिया और अवारागर्द बहन है। बात ही बस, जरा जवान को लगाम दो। चाहती है जो दिखाऊं मौत का नरक। अजी तुम तो बड़े बेवफा हो। देवी वो काम करो जिससे लोक और परलोक में नफा हो। ताकती नहीं हराम शरीफों की बेटियां, करती नहीं ये काम शरीफों की बेटियां। फानी खुशी के वास्ते होती नहीं है वो जू नफ्स की गुलाम शरीफों की बेटियां। हाँ जी इंदर साहिल हेलो, दोनों अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, कलीला जा रही है
और तुसी अपने कलाकार हो के तुसी लीला दा मजाक उड़ा रहे हो। चलो अंदर कोई जाने वास्तव में ये नगोड़ी सीता ही मेरे रास्ते का रोड़ा है, पहले मैं इसकी मिट्टी ठिकाने ले आती हूं। क्यों नहीं बेहर है तू, इस जंगल में क्यों वे अच्छी की तरह फिर रही है? जो खाम खा मेरे सर पर चढ़ी आ रही है। अरे अरे मैंने तेरा क्या बिगड़ा है जो खाम खा मेरे गले पड़ रही है? ओ बेहरा बदमाशी, पश्चिमी और पैसे की मुजस्सम तस्वीर, मैं अभी तेरी इस चलाने का मजा चुकाता हूँ और तेरे सूजनी के मिजाज का सटी कर देता हूँ। बाजी बस दवाई मेरे भाई, दवाई ये जो दशहरे का ये महापुरब है, ये जिन्ने भी साढ़े पिंड वासी हैं पिंड पट्टी के, चाहे वो छोटा बच्चा है, नौजवान है, मामा भैन हैं, बुजुर्ग हैं, सारिया का साझा है। एक और व्यक्ति मेरे जो भूत बने हुए कलाकार हैं, इन्होंने मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि किसी ने भी पब्लिक वाल स्रोतों वाल नहीं जाना है, सो आपस में ग्राउंड के पिछे ही रहना है, उन्होंने बारे नहीं जाना। मेरी बेनती मजबूर करे तो मैं कह रहा हूं कि इस सजा का साझा त्यौहार है, एक सुख है, सो मैं सारे चरणों के बेनती करता हाँ, क्योंकि इन्हें साढ़े कलाकार दो महीने हो गए हैं, रात को तकरीबन 10-11 बज जाते हैं, घर का परिवार भी चलता है। ये इस त्यौहार अच्छे तरीके का मनाया जा रहा है, सारे ने अपने वीर ने बच्चों ने जो मेरे को बड़े हैं या मेरे को छोटे हैं, सारे चरणों की बेनती करता हूँ कि प्लीज कोई भी इदा की हरकत ना करो कि इस कोई भी कोई बुलंद कर ले। सो अगर मैं किसी के शांति खिलाफ बोल जाना, मैं उस तो खेमा का दाच था, छोटा या बड़ा जान के माफ कर दो। सो मैं फिर सारे के चरणों के बेनती है कि भीर जी कोई भी इतना भी हरकत ना करो कि इस त्यौहार के इस प्रोग्राम के कोई विघन करे जी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। सुनो अगले बीजा भंगड़ा करना, अज अष्टमी है, इस करके मां दुर्गे की झांकी भी दिखाई जाएगी। Ha 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 ha
चलो जंग करे बजरंग करे कुछ जंग करे हम दर का, चलो जंग करे बजरंग करे कुछ जंग करे हम दर का। तुम्हार का भी पेशा क्या खूब है निकाला, तुम्हार का भी पेशा क्या खूब है निकाला, जिसने जरा सी चूकी उस बाजार डाला, जिसने जरा सी चूकी उसका बाजार डाला। चलो जंग करे बजरंग करे कुछ जंग करे हम दर का, चलो जंग करे बजरंग करे कुछ जंग करे हम दर का। तुम्हार का भी पेशा उसका आचार डाला, चलो जंग करे बजरंग करे कुछ जंग करे हम दर का, चलो जंग करे बजरंग करे कुछ जंग करे हम दर का। अरे भाई घर यस यस जर अरे भाई घर पहले मेरा प्याला भर। अरे एक तरफ हो गए मर। अरे भाई बोतलों में तो काम ही नहीं रही, शराब और मंगवाइए। जब तक शराब ना आए तो एक दो नसवार का ही लीजिए। अरे मेरे लाल मुझे अरे तू इन बातों को क्या जाने, दो चार छीके आकर नशा ऐसे खिल जाएगा जैसे अफीम पर तेल। बिल्कुल दुरुस्त। अरे मैं भाई को अंधा हो रहा है, तुम्हें दिखता नहीं, तुम मेरे मुंह पर तुम्हारे थूक के छीके पड़ रहे हो। हट बे दुगे। अरे नालायको ये कैसा तूफान है बेतनी जी, मर गए मेरे बाप। अरे मेरी भैया एकदम नाक भी गुलगुला भर गई। हाय मेरे भाई दुहाई दुहाई, हाय मेरे भाई दुहाई दुहाई, हाय मेरे भाई दुहाई मेरे भाई दुहाई मेरे भाई दुहाई। ये भी ढंगी सी बात आई। खामोश खामोश, अगर ज्यादा शोर मचाओगे तो सख्त सजा पाओगे। भैया अब तो बड़ी सरकार भी पोश पोश करने लगी। हाय मेरे भाई दहाई, हाय मेरे भाई दहाई, हाय मेरे भाई दहाई। अरे ये तो शूप ने कहा है। किस जालम ने की जे हरकत, किसके सर पर मौत पड़ी, किसके सर पर मौत पड़ी, जीने को
बेजार कौन है उसकी आ गई बुरी घड़ी। बैठे बैठे दिल उकताया, बैठे बैठे दिल उकता, तू ही सर को जाती थी, तू ही सर को जाती थी, चलती फिरती मटर गश्त दिन अपना मैं पहला पीती, चलते चलते जू ही अचानक, चलते चलते जू ही अचानक, पंचपटी पर जाय अटकी, पंचपटी पर जाय अटकी, नजर पड़े तो वनवासी जन्मे अटकी, हो जाते थे पिछला नाम, हो जाते थे पिछला नाम, मैं खातर में ना लाती, खातर में ना लाती थी, चलती फिरती मटर दस्त दिल अपना मैं बहलाती थी। शुरू रहा तुम लम्बा जाकर आराम करो। ये जो सामने इतनी गर्दो गुबार छा रही है, मालूम होता है कि वो बदकार अपनी मदद के लिए अपने हिमायतियों को बुला लाई है। लक्ष्मण, तुम सीता जी को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, क्योंकि ये औरत जात है, उनको देखकर डरेगी। प्राता जी, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि आपके पहलू दर पहलू लड़ता हुआ एक एक राक्षस को जहन्नुम में पहुंचाऊंगा। कुछ भी हो, आप जाइए और जरा भी ना घबराइए। जो आज्ञा भ्राता जी। एक तेरी कसर बाकी रही, बाकी सब लश्कर तो काम आ गया। इसी हौसले पर भूल रहा है। जरा आगे हो, दूर खड़ा क्यों चुनार औरत की तरह झूल रहा है। अरे बेकार, तूने स्वरूप नागा की अजमत पर हाथ डाला, ये शर्म नहीं आई? वो तो खुद ही जली भुनी फिरती थी। लड़के नादान इस मैदान में तू नाग आया, लड़के नादान इस मैदान में तू नाग आया, करने तू मौज बथेरी आ गई हुन शामत तेरी, करने तू मौज बथेरी आ गई हुन शामत तेरी, मरने में कुछ नहीं देरी, मरने में कुछ नहीं देरी, चलो है।
खुद लाया। होशियार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। जिस वेले भगवान राम जी का खार और दुखशन युद्ध होया सी, ते भगवान राम जी ने मोहनी अस्त्र का प्रयोग करके जो राक्षस सन आपस में लड़ा देते सन, क्योंकि मोहनी अस्त्र के नाल उन्हां नूं अपने विच ही राम दिसदा सी, इस करके उन्होंने एक दूसरे नूं खत्म कर दिता सी। जिस वेले खारा और दुखशन का वध हो जाता है, भगवान राम जी तो मृत्यु नूं प्राप्त हो जाते हैं, फिर सरूपनखा अपने बड़े भरा रावण दे कोल जाती है। सुनो अगली लीला जी। हेलो, मुझ सा तजस्वे प्रतापे बलवान दलेर और शेर, जिसकी भुजा बल का तमाम आलम सिक्का मानता है, और जिसके नाम को हर एक छोटा बड़ा जानता है, जिस सल्तनत का हुक्मरान हूं मैं, उसको नामुमकिन है कि ख्वाब में भी खिजाए। मैं वो रावण हूं जिसने बड़े बड़े मगरूर सरों को कुचल डाला। मैं वो रावण हूं जिसकी धाक ने जमी आसमां को हिला डाला, और बड़े बड़े शस्त्रधारियों को खोट में मिला दिया, बेशुमारों को तहे खाक में लाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, शरबते मरग करोड़ों को पिलाया मैंने, बशर्ते चीज क्या खुदाई को हिलाया मैंने,
जिस तरफ पड़ गया उसको मिटा के छोड़ा, जुलूस दिया, फूंक दिया और खाक में मिलाकर छोड़ा। महाराज का जहाज लाल बुलंद कमाल बाकी दर्जा कमाल है, भला हजूर के आगे सर उठाने जा आंख उठाने की किसकी मजाल है। कोई दुश्मन ना कभी सामने आने पाया, आ गया भूल कर तो जिंदा ना जाने पाया। कोई सर्कस ना कभी सर को हिलाने पाया, सामने आपके ना आंख उठाने पाया। कोई बलवान हुआ तो बल से दबाया उसको, जो बल से ना दबा तो शल से दबाया उसको। कुजाए तख्त लंका की शहनशाहे, कुजाए इन ममूली रियासतों की बादशाहे। दहाई मेरे भाई, दहाई दहाई मेरे भाई, दहाई महाराज, महाराज की जय हो। महाराज गजब हो गया, हर राम दुष्यंत सेना सहित मारे गए। क्या कहा, खरो और दुष्यंत मारे गए? हाँ महाराज, दोनों ही रामचंद्र जी के हाथों संघारे गए। दहाई मेरे भाई, दहाई दहाई मेरे भाई, दहाई। अरे बात क्या है, मुंह से तो कुछ बोल। मुंह से मैं क्या बोलूं, खाक ना सर पर बार है ना मुंह पर नाक। अरे तेरी ये दुर्गत किसने बनाई, वो कौन का मौत का शदा है? भोई मुंडी काते बदकार, अयोध्या के राजकुमार, जिनको बाप ने बद जलन समझ कर घर से निकाल दिया, धर्म दर भटकते फिरते वो लोगों की बहू बेटियों को तड़पते फिरते हैं। मगर उन्होंने तेरी ना क्यों उड़ाए? भाई मैं तो जुड़ी घूमती गांवती पंचवटी की तरफ आई, मेरे उस नौर जमाल को देखकर उनका दिल में भाई मारी आई। मगर बड़ी मुश्किल से मैं अपने राम रूप जाई, रामचंद्र की स्त्री सीता जिसकी खूबसूरती के आगे सूरज की रोशनी मारता है, वो आपकी प्रकाला भी उनके साथ है। स्वरूप नखा, तुम महलों में जाकर आराम करो, मेरे शूरवीर सरदारो तुम भी महलों में जाकर आराम करो। जो आज्ञा महाराज। सीता सीता मेरे जानो ईमान की मालक सीता, तू वाकया ही सीता है मगर मेरी जान का पजीता है। दिल में एक दर्द उठा, आंसू भर आए, बैठे बैठाए न जाने क्या याद आ गया। ओह सीता सीता, कैसा प्यारा नाम है सीता। ओ जालिम, अगरचे मैं तुझे स्वयंवर में ना जीत सका मगर अब जरूर जीती जाएगी और तेरी किस्मत के आजमाइश की जाएगी। मगर अकेले से ये काम होना दुश्वार है, अगर एक साथी मिल जाए तो बेड़ा पार है। एक और एक ग्यारह बस तेरे पौ बारह।
खूब याद आया, मारीच मारीच वारे मेरे बहादुर मारीच, तू बड़ा तजर्बेकार है और आला दर्जे का अय्यार है, मैं अभी जाता हूं और उसको अपना हमराह बनाता हूं। बहुत से खुदसरों की इज्जत हक में मिलाई है, मैं वो रावण हूं जिससे कांपती कुल खुदाई है। अगला सीन, अगली लीला रावण दा मारीच दे नाल संवाद। मारीच मारीच मेरे बहादुर मारीच, आइए महाराज मेरे सर के ताज। अगरचे मैं महाराज हूं मगर इस वक्त तुम्हारी मदद का सख्त मोहताज हूं। मेरी जान और जिस्म आपके चरणों पर कुर्बान है, कहिए क्या फरमान है। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर, तो वाकया ही दलेर है, आखिर तो शेरों का शेर है। आ मेरे साथ चल, तुझे एक काम बताऊं, और तेरी माता और तेरे भाई का इंतकाम दिलाऊं। कैसा इंतकाम? आपकी बात तो कोई पेचदार मालूम होती है। अरे अहमद, तेरी माता और भाई के कातिल राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हुए हैं और अपने साथ सीता को भी लाए हैं। यदि तू कुछ थोड़ी सी हिम्मत करे तो तुझको तेरा बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। काका, राम और लक्ष्मण? हाँ हाँ, राम और लक्ष्मण, क्यों पेशाब क्यों निकल गया? महाराज वैसे तो मैं आपका ताबेदार हूँ और हर तरह आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं उनके हाथों को अच्छी तरह हजमा चुका हूँ और उनके सामने ना जाने की कसम खा चुका हूँ। तुम्हारे दिन तो आए हैं गर्दिश और घाटे के, कहीं देखना गुन बिना पीस जाए साफ आटे के। अच्छा देख, मैं अभी तेरा गुरूर तोड़ता हूं। अरे पाजी, केवल तू ही इनकार करता है, वरना हर एक सदा मेरे फैसले के अनुकूल है। आपकी भूल है, जिसने ये आपको मशवरा दिया है वो परले दर्जे का नवा फूल है। तुझे मालूम नहीं कौन हूं मैं? रावण हूं रावण। ये बिन बुलाए की आफत मेरी जान की जामा, ना किसी से झगड़ा ना किसी से टकरा, आ बैल मुझे मार। अरे कंबख्त, जल्दी दे जवाब। महाराज जरा तहम्मुल कीजिए, सोच समझ कर जवाब देंगे, आखिर मरना है, कोई मुखौल तो नहीं। ओ बजबा, तू मेरी नरमी का नजायज फायदा उठा रहा है और चैची की तरह जुबान चला रहा है। हुकम दूली करने की मेरी क्या मिजाज, कहिए आपने अपनी कामयाबी का क्या उपाय सोचा है। गौर से सुन, तुझे सोने का एक मृग बनकर सीता के सामने से गुजरना होगा। सीता को तेरी खूबसूरती भाएगी और वो रामचंद्र को तेरे पीछे दौड़ाएगी, और रामचंद्र तेरे पीछे जाएगा और मैं साधु रूप में होकर सीता को हर ले आऊंगा।
बस इतना ही सा तो काम है। चलिए महाराज जा, बेईमानी है तेरा ही है। मरीज दे कोल जांदा है, मरीज नू अपने नाल मिला लेंदा है, मरीज नू एक सोने दा मृत बना के वो माता सीता जी दे सामने से गुरने नू कहंदा है। माता सीता जी भगवान राम जी नू कहते हैं कि मेरे बहुत सोहना है, ये हिरण मुझे पकड़ दो। भगवान राम जी उस हिरण के पिछे जाते हैं, उस तो बाद एक आवाज आती है, सो वो आवाज सुन के माता सीता जी लक्ष्मण जी नू भी भगवान राम के पिछे भेज देंगे। इस दे विच रावण साधु का रूप बना के माता सीता नू हर के लै जाता है। सुनो अगली लीला। रस बाकी है केवल एक बरस बाकी है के लौट जुतिया जाने में, लौट जुतिया जाने में, तेरा साल खत्म है गोया एक आंख जपताने में। जल्दी आ जाएंगे और खुशी के मंगल गाएंगे फिर भरत जी मिलने आएंगे। कब होगा जश्न जमाने में, एक बरस बाकी है केवल एक बरस बाकी है के लौट जुते आ जाने में, लौट जुते आ जाने में, तेरा साल खत्म है गोया एक आग झपकाने में। माता के दर्शन पाऊंगी, माता के दर्शन पाऊंगी, चरणों में शीश झुकाऊंगी, चरणों में शीश झुकाऊंगी, बातें उन्हें सुनाऊंगी जो देखी रंग आने। एक बरस बाकी है केवल एक बरस बाकी है के लौट जुतिया जाने में, लौट जुतिया जाने में, तेरा साल खत्म है गोया एक आग जपताने में। प्रिय आज किस्मत का सितारा अरूज पर है। निर्मल जन कैसा बह रहा है? एक तरफ पानी की निवानी और दूसरी तरफ गुल हाय बोस्तानी, शजर है शबनम है हर शाह गुलाबी है, पत्ता पत्ता युमरा है गोवा के बाग शराबी है। प्रिय देखो वो सामने सूर्य की किरण है। नहीं स्वामी यह तो खूबसूरत हिरण है। वाकई बहुत खूबसूरत है स्वामी, यह हिरण मुझे पकड़ दो, कितना खूबसूरत है, गोवा के बाग की मूरत है। मुमकिन है कि वो भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। अगर जिंदा हाथ ना आए तो मृगशाला ही। बहुत अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। लक्ष्मण तुम जहाँ होशियार रहना और अच्छी तरह से खबरदार रहना। जोर दिया भ्राता जी।
भाई लक्ष्मण जल्दी आऊंगा और मुझे बचाओ। लक्ष्मण सुनते हो, यह कैसी आवाज आई है? जी हाँ माता जी, जानता हूँ किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। लक्ष्मण यह किसी की नहीं, तुम्हारे भाई की आवाज है। नहीं माता जी, इसके अंदर भी कोई पोशीदा राज है। लक्ष्मण तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अंत दबाया है और उन्होंने तुम्हें मदद के लिए बुलाया है। माता जी ये आपका महज ख्याल है, भला राक्षसों की श्री रामचंद्र जी के आगे आने की भला क्या मजाल है? क्या तू इतना बेदर्द हो गया और तेरा खून इतना सर्द हो गया? भाई इमदाद के लिए बुलाए और तू फिजूल की बातों में ही बत्तू भाई। माता जी भाई की तरफ से तो मुझे पूरा इत्मीनान है, मगर मैं यहाँ से चला गया तो आपका यहाँ पे कौन निगाहवान है? मुझे क्या यहाँ मौत पड़ रही है? जाता नहीं, दिल में क्या बेईमानी की ठानी है? माता जी ये कैसी बदगुमानी है? मैं हैरान हूँ मोराज मार क्यों हो गया, नूर से जो दिल भरा था नार कुकर हो गया, फूल जिसको समझती थी खार कुकर हो गया। बस कीजिए माता जी बस कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और इस साजिश का पता लगाता हूँ, मगर आप इतनी मेहरबानी करना कि मेरे आने तक इस कुटिया के बाहर हरगिज कदम न धरना। अच्छा माता मैं जाता हूँ, आप खबरदार होकर रहना, मैं रहा आज्ञा के भीतर आप इस कुटिया के भीतर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर आएगा है अनुसाई सचवर की वो वही भस्म हो जाएगा। हर के हेत लगा बाबा, जोगी तो रम थे जोगी है, जोगी तो रम थे जोगी है, जोगी को परपा बाबा, जोगी की है जे सदा बाबा। ओ लोक अलक जगाना हर गुण गाना, अलक जगाना हर गुण गाना, साधु संत का हाथ है, साधु संत का हाथ है, परमार्थ अपकारों में हम अपनी उम्र लगाते हैं। सन्यासी बनवासी, सन्यासी बनवासी, उस अवनाशी के गुण गाते हैं, उस अवनाशी के गुण गाते हैं, अपनी उम्र लगाते हैं। औलक जोगीराज आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? सुंदरे तुम्हारे तो सवाल ही दुनिया से न्यारे हैं। आखिर आपका कोई नाम और रहने का मुकाम? फकीरों का क्या नाम और कहां रहने का मुकाम, जहां रात पड़ गई वही विश्राम। एक वृक्षाला ही सब कुछ है, कंबल है वस्त्र है, जिस पेट पर बैठे वही घर है।
कभी हम नाव पर उठते हैं, कभी भूतल पर फिरते हैं, कभी काशी कभी मथुरा कभी गोकुल में फिरते हैं। जहां कोई चर्चा सुना वहीं शिन भर में आ पहुंचे, अभी पूरे में फिरते थे पश्चिम में आ पहुंचे। तो फिर यहां किस लिए दर्शन दिए? केवल भिक्षा के लिए। मोहे भिक्षा ला दो दाता तेरी हो कल्याण की प्राण जी। मोहे भिक्षा ला दो दाता तेरी हो कल्याण सुख प्राण जी। मोहे भिक्षा ला दो वनवासी कर आदर है, वनवासी कर आदर ना कुछ भी कंद मूल है हाजर है, कंद मूल है हाजर वही अमृत है। जो कि अगर अयोध्या होते, जो कि अगर अयोध्या होते करते हीरे दान जी, हीरे दान जी। मोह विशाला दो दाता तेरी हो कल्याण की सुखी प्राण जी। मोहे भिक्षा ला दो बाहर आकर दो भिक्षा, मुश्किल है आप जवाब दिया ना, मुश्किल है आप जवाब दिया ना, मुश्किल है। जो कि अगर अयोध्या होते करते हीरे दान जी, हीरे दान जी। मोहे विशाला दो दाता कल्याण जी दुख प्राण जी। मोहे आग लगे तेरी लंका को और चूल्हे में पड़ तू राजा होकर ऐसा करम, डूम मर बेशरम। ये शैतानी राधा और सूरत पारसाई की पड़े ही अस्थिय पर नपाक पर लानत खुदाई की। ओ बदजुबा मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा और अकलौतामी सिखाकर वंश से इंसान बनाऊंगा। नजरें लगी थी मुद्दत से फूल पर, कुंती का हाथ पड़ गया कुदरत से फूल पर, आ गया शिकार शिकारी के हाथ में, ले जाएगा तुझे अपने साथ में। चला जा क्यों खोपड़ी गुजला रही है? ओ बसुमा तू खुद अपनी मौत को बुला रही है, अब बता तेरा रक्षक कौन है? मेरा धर्म। वो कौन सी ताकत है जो मुझे पायमाल कर सके? तेरा पाप। वो कौन है जो मुझे पायमाल कर सके? मेरी आहें। इस कदर होता है क्यों तेगे नफ्स की जेर तू, दीन अबला जानकर होता है मुझ पर शेर तू। हूं तो अबला मैं मगर फौरन बला बन जाऊंगी, मैं जला देने को तेरे चंडी का बन जाऊंगी। सीधे तरह मेरे साथ चल। परमेश्वर तेरी दुहाई है, एक तरफ बेबस मजलूम और दूसरी तरफ जालम किसाई है। प्राणनाथ बचाओ अबला को, निर्दयी के खूंखार पंजाब से बचाओ। रावण का जुल्म हो गया सीता की जान पर, टूटा है बाजा कर चिड़िया की जान पर। हाँ जी सो रावण जी माता सीता नू चिरा के ले जाते हैं जी। सो मैं थोड़ी जानकारी दसवा कि कल ठीक 3 बजे तक भगवान श्री राम जी का रथ दशहरा ग्राउंड पहुंच जाना है।
सारे ही पिंड वाले नगर निवासियों के चरणों में बेनती है कि प्रभात फेर सारे ने दशहरा ग्राउंड में पहुँच के भगवान श्री राम जी की लीला का आनंद मानना है जी। और जो थोड़ी जानकारी मैं दस दवा कि यह लाइटिंग का प्रबंध किया गया है, फिर भी तुम सारे ने टाइम सिर पहुँच के लीला का आनंद मानना है। लीला बाकी है जी, जाना नहीं किसी ने, थोड़ी लीला बाकी आ, उस तो बाद ही सारे ने अपने अपने घर में जाना है। और जो दो दिन का टाइम है सारे ने प्रभात समेत पहुँच के, क्योंकि संसारिक काम तो इस तरह चलते रहने ने, ये भगवान का जो महाउत्सव त्यौहार है दशहरे का, सानू दोबारा एक साल बाद फिर देखने को मिलना है। और मैं थोड़ी जानकारी दस दवा कि कल और परसों 23 और 24 तरीक का जो प्रोग्राम है वो यूट्यूब पर लाइव थोड़े सामने चलेगा, उसका जो लिंक है उसी कल तो दसागे। तो सारे ने हम के भगवान श्री राम जी लीला का आनंद मानना है जी। बहुत सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सो एक सीन अजे बाकी आओ देख के तुसी जाना है जी। रावण माता सीता नू हर के लै जांदा है। सो रस्ते दे विच महात्मा जटाऊ जी दे नाल उन्हां दी मुलाकात हुंदी है। रावण महात्मा जटाऊ नू घायल करके माता सीता जी नू लंका लैके चला जांदा है। चलो अगली लीला। हाँ जी, दानी सज्जना विच साढ़े सरदार हरभजन सिंह जी जो हरेक साल माया भेजते हैं, साढ़े ASI साहब हरभजन सिंह जी जो कि चंडीगढ़ जॉब करते हैं जी, 1000 रुपया अपने दसा नौ की कमाई के पिछों भगवान श्री राम जी की दशहरे तो खुश होकर साड़ी दशहरा कमेटी का मान करते हैं। मैं भगवान श्री राम जी के चरणों में बेनती करता कि उस परिवार के दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की बख्शो जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलो अगली लीला साढ़े कलाकारों ने जाते कहाँ हो जरा संभल कर कदम उठाना। मुझे रोकने वाला तू कौन है? तुम आकर भाग जा वरना यही मारा जाएगा। कुछ यहाँ की डर नहीं जो शेर से डर जाएगा। जिंदा है तुझ तुमसे ज्यादा दिलेर भी, तुम गिदड़ा की खोल में फिरते हम शेर भी। कोई नहीं अब तलक गर्म से खाली जमीन, राक्षसा नारियों का अब भी कहीं कहीं। बगैर मरे या मारे नहीं जाने दूंगा। ठहर, मैं अभी तेरे अभी तुझे आदम का रास्ता बनाता हूं। खबरदार हो जाओ, अभी तुझे चोरी करने का मजा सिखाता हूं। चोंच मेरी गलाजत तेरे सीने से निकालेगी, चूहे भी जाकर सीने में तो सीना चीर डालेगी। तलवार के भी भार की ताकत तेरी चोंच में है, मैं देखता हूं कौन सी ताकत तेरी चोंच में है। होशियार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। अफसोस सीता का अब तक कोई सुराग नहीं मिला।
ताज्जुब है, कोई आता जाता भी नहीं मिला। हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय राम, हाय लक्ष्मण। भ्राता जी, ऐसा मालूम होता है कोई आपका नाम लेकर मदम के लिए बुला रहा है। शायद यहीं से कोई सुराग मिले। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय राम, हाय लक्ष्मण। भ्राता जी, ये तो महात्मन जटायु हैं। महात्मन, हम तो अपनी किस्मत को रोते ही थे, मगर आप किस जाल के हाथों घायल हुए? नहीं रावत, बदमाश, जिसका हो जाए सत्यानाश, भगवानी सीता को जबरदस्ती उठाई ले जा रहा था। मैंने उसको बहुत रोका, मेरे कल वो मुझे घायल करके लंका की ओर चला गया। मैं उसे इस फेल का मजा चुकाऊंगा, आप स्वर्ग सुधारिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सो साडी आई दी जो लीला इथे समाप्ती है। सो कल नू सारे ने ठीक 3 बजे दशहरा ग्राउंड विच पहुंच के भगवान की लीला का आनंद मानना है जी। सो सारे ही नगर वासियों से ज्यादा बेनती है कि जो 2 दिन कल नू 23 और 24 उस तो बाद पूरा साल सारे ने अपने घर के काम कर रहे ने। ये जो साडे पिंड की सुपना है, जो परंपरा सन 1947 तो पहले भी चली आ रही है, इस परंपरा को मनाते हुए सारे ने हुमो भा के कल नू सही टाइम से कल नू ठीक 3 बजे करीब दशहरा ग्राउंड में पहुंच जाना है। और थोड़ी जानकारी मैं दसवा कि साडे कलाकारों ने बहुत ही सुंदर सुंदर झाकियां थोड़े खिलाफ पेश की जा रही ने। बड़ी मेहनत और मशक्कत के नाल साडे वीर ने झाकियां तैयार कीतियां। पिछली बार नालों भी वधिया झाकियां इस बार थोड़ी खिलाफ पेश की जा रही ने। और सो सारे ही नगर वासियों चरणों की बेनती है जी, सारे ने कल सही टाइम से पहुँच के लीला का आनंद मानना है, तो नाल झाकिया का आनंद भी मानना है जी। सो मैं अपने जिन्हें भी वलंटियर वीर जोड़े कि पिछले 1.5 महीने 2 महीने तो साढ़े जुड़े है, साढ़े उप प्रधान साहब वालों सारे बेनती है पूरी कमेटी वालों कि किसी ने भी जाना नहीं अपने घर रोजी रोटी रात की सारे तैयार की गई है, क्योंकि कल की जो प्लैनिंग है, कल का जो अपना प्रोग्राम है, किस तरह उसको लेके चलना है असी अगले जेडे 2 दिन है। सो ये सारी असी अज बैठ के सारे डिसाइड करना है, इस करके जाना नहीं किसी ने। रोटी का बंदोबस्त प्रबंध किया गया है लंगर का सारे इतने अपने जिन्हें भी साढ़े वलंटियर वीर कमेटी मैंबर और कल दी और परसों की दशहरे का तैयार जो असी किस तरह धूमधाम के नाल मनाना है, झाकिया की एडजस्टमेंट करनी जो भी सारा कुछ, और रावण का पुतला जो तैयार किया गया है बड़ी मेहनत के नाल उसनू भी लैन जाना है। सो सारा डिसाइड करना है, इस करके जाना नहीं किसी ने। इतने सारे इकट्ठे हो जाओ, लाइटिंग लगी है, सारे ने इतने रोटी पानी खाना है। तो कल सारे ही नगर वासियों ने सही टाइम पर पहुँच के दशहरा ग्राउंड में भगवान श्री राम जी लीला का आनंद मानना है। सो पूरे ग्राउंड को लाइटिंग में कवर कर दिया गया है, लाइटा होर भी कल लग जानियाँ, टेंशन की कोई लोड़ नहीं, सारे ने सही टाइम पर पहुँच के भगवान की लीला का आनंद मानना है जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय।